हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चंद्रा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन यूट्यूब पोर्टल पर मैं अनंत तिवारी आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं दोस्तों। और आप लोगों का जो हाईकोर्ट से आरओ की वैकेंसी आई हुई है, तो उसमें भारतीय इतिहास और भारतीय इतिहास में दो संदर्भ आपके शामिल हैं। एक आपका प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास और दूसरा आपका आधुनिक इतिहास। तो अब आप कहेंगे कि सर ये तो तीन संदर्भ हो गए। जो आपका ये तीसरा संदर्भ है और मेरे अनुसार दूसरा संदर्भ है, तो ये इसलिए मेरे अनुसार दूसरा संदर्भ है क्योंकि आपका भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ये दो संदर्भ हैं और आधुनिक इतिहास के अंतर्गत ही आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन शामिल है। ये एक बहुत ही साधारण तथ्य है जिसके विषय में आप जान रहे हैं। तो आधुनिक इतिहास और आधुनिक इतिहास के अंतर्गत ही है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या इंडियन नेशनल मूवमेंट। और किसी भी एग्जाम में, केवल आपकी समीक्षाधिकारी का ही एग्जाम नहीं, किसी भी एग्जाम में आपका जो सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ है इतिहास में, वो आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ही है। और इसमें आपकी कई विचारधाराएं आपको दिखाई देती हैं, कई धाराएं दिखाई देती हैं, कई आपकी ऐसी घटनाएं हैं जो समानांतर रूप से घटित होती हैं। तो इसको अपने आप में कंक्लूड करना थोड़ा सा एक चैलेंजिंग टास्क हो जाती है। लेकिन निश्चिंत रहिए, मेरे साथ में आपको कोई समस्या नहीं होगी, इतना मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं। और अंत में आके जब आपका पूरा होगा तो आपको समझ में आएगा कि मैंने आपको गलत आश्वासन नहीं दिया है। खैर, गलत आश्वासन मैं देता भी नहीं हूं। ठीक, तो जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को यदि आप देखेंगे तो ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो भारत में संपन्न हुआ, ये इसके तीन चरण हैं या तीन चरणों में इसको विश्लेषित करके बहुत आसानी से समझा जा सकता है। पहला चरण आपका है 1885, जबकि कांग्रेस की या इंडियन नेशनल कांग्रेस की या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, उससे ये आपका प्रथम चरण शुरू होता है। और 1885 से लेकर 1905 तक इसका एक चरण है या इसका पहला चरण है। तो अब आपके मन में स्वाभाविक रूप से ये प्रश्न उठ रहा होगा कि ये किस आधार पे आपने इस प्रथम चरण को निर्धारित किया है। ये इस आधार पे मैंने निर्धारित किया है कि इस समय ये जो कांग्रेस का ये या राष्ट्रीय आंदोलन का जो पहला चरण था, तो कांग्रेस का बोले या राष्ट्रीय आंदोलन, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को रिप्रेजेंट जो कर रही थी वो आपकी संस्था अखिल भारतीय संस्था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही थी। तो इस समय जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पे जिस विचारधारा का प्रभाव रहा या जिस दल का प्रभाव रहा, उसे इतिहास में आप नरम दल के नाम से जानते हैं या इसी को आप नरम पंथ के नाम से जानते हैं। तो नरम दल वालों का प्रभाव रहा, जिसमें दादा भाई नेहरू जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, ये सारे के सारे इसके अपने नेता थे, इनकी अपनी विचारधारा थी। तो विचारधारा पे अभी आगे आएंगे। ये पहला चरण। दूसरा चरण आपका शुरू होगा 1905 से, इसकी शुरुआत होती है, और 1905 से लेके ये आपका दूसरा चरण जाता है 1920 तक। और ये जो दूसरा चरण है, दूसरे चरण की विशेषता यह है कि इस समय कांग्रेस में या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गरम दल वालों का प्रभाव दिखाई देता है या गरम पंथ आपका प्रभावी दिखता है। 1905 में जैसे ही बंगाल का विभाजन होता है, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल को विभाजित किया जाता है, सांप्रदायिक आधार पर या धार्मिक आधार पर विभाजन किया जाता है ताकि राष्ट्रीय आंदोलनों से मुस्लिमों को बाहर खींचा जा सके, उनको दूर रखा जा सके। राष्ट्रीय आंदोलन उत्तरोत्तर कमजोर होता जाए, कमजोर हो जाएगा तो फिर यहाँ पे अंग्रेजों को रूल करने में या शासन करने में आसानी होगी, जैसा कि आप उनकी नीति को जानते हैं, डिवाइड एंड रूल या बांटो और राज करो की नीति। तो यहाँ पे आके जो गर्म दल वाले हैं, इनका अपना कांग्रेस में प्रभुत्व बढ़ता है और धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये लोग इसमें या इस आंदोलन को अपने अनुसार काफी कुछ चलाने में सक्षम हो जाते हैं। तो ये आपका दूसरा चरण है। तो पहले चरण में नरम दल वाले हैं, दूसरे चरण में
गरम दल वाले हैं और बिल्कुल क्रमशः बढ़ते हुए हैं कि शुरुआत में आपका नरम दल है, वही नरम दल की नीतियों से कुछ नेता असंतुष्ट हो जाते हैं क्योंकि इनकी विचारों की नीतियां ही ऐसी थी कि आवेदन प्रतिवेदन या प्रार्थना पत्र पे ये विश्वास रखते थे, इंग्लैंड को अपना राजनीतिक नेता मानते थे और इनका मानना था कि इंग्लैंड में यदि भारत की सही तस्वीर पहुंच जाएगी तो वहां के नेता जो है भारत के संबंध में तमाम सुधार या भारत को संवैधानिक रियायतें प्रदान कर देंगे और इसके लिए ये तमाम प्रार्थना पत्र भेजते थे। पता पड़ा कोई रिपोर्ट या प्रतिवेदन इन्होंने जो है अपनी समस्याओं से संबंधित उन्होंने तैयार की और भेज दी कि इस पर आप विचार कीजिए। और इनकी इस नीति से कुछ कांग्रेस के नेता असंतुष्ट हुए, उन्होंने कहा नहीं भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, अगर आपको रियायतें चाहिए हैं, आप यहाँ पे भारत में सुधार चाह रहे हैं तो उसका एक ही तरीका है कि जनता को आप लेकर आए और उतर के जो है सरकार का सीधा सीधा विरोध कीजिए। तो खैर इनकी अपनी आइडियोलॉजी, उस विचारधारा पे हम अच्छे से बातचीत करेंगे, ठीक है। तो ये दूसरा चरण है जिसमें आपके गर्म दल वाले दिखाई देते हैं, जिसमें विपिन चंद्र पाल हैं, लाला लाजपत राय हैं, अरविंद घोष हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं। और अभी आप ये सब नोट मत कीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि बाकायदा मैं आप लोगों को सारी चीज़ें लिखाऊंगा, ट्रिक्स भी लिखाऊंगा कि जब गर्म दल वालों पे मैं चर्चा करूंगा तो उनके नेताओं के नाम याद रखने के लिए एक ट्रिक आपको दे दूंगा। जैसे एक ट्रिक है आपकी बाल्टी, ठीक है, तो ये आपको दे दूंगा कि बी से विपिन चंद्र पाल, ए से अरविंद घोष, एल से लाला लाजपत राय और टी आई से तिलक। तो अभी आप केवल उतनी ही चीज़ों को आप नोट कीजिएगा जो मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ। अनावश्यक आप नोट करेंगे तो उससे आपका जो नोट्स है और मेरे साथ में अगर आप नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो राष्ट्रीय आंदोलन हमेशा आपकी मुट्ठी में रहेगा, कभी आपको राष्ट्रीय आंदोलन में कोई समस्या नहीं होगी और सबसे बड़ी चीज़ एग्जामिनेशन हॉल में आपके प्रश्न सही हो जाएंगे, आसानी से आप भूलेंगे भूलने नहीं दोनों में, ठीक है। तो ये आपका दूसरा चरण है और तीसरे चरण की शुरुआत होती है जबकि भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में गांधी का आविर्भाव होता है या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी प्रवेश करते हैं। तो ये जो आपका चरण है, ये चरण आपका शुरू होता है 1920 से और 1947 तक या भारत की आजादी तक या स्वतंत्रता तक ये चरण आपका चलता है। अब जो ये आपका राष्ट्रीय आंदोलन चला तो इस राष्ट्रीय आंदोलन की अपनी पृष्ठभूमि भी है और इसकी अपनी जो पृष्ठभूमि है उस पृष्ठभूमि में जो सबसे महत्वपूर्ण है कि भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रही है तो स्थापना के पीछे कहीं ना कहीं राष्ट्रीयता की भावना भी जिम्मेदार थी। कि अगर हम राष्ट्रीय आंदोलन को समझना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि हम इस तथ्य को भी समझें कि भारत में राष्ट्रवाद या जो राष्ट्रीयता की भावना, इसका विकास कैसे हुआ। आज तो ये तथ्य हमको बहुत ही आसान लगता है कि भाई राष्ट्रवाद के अभी पता पड़ा नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता तो पूरा देश बिल्कुल उत्साहित हो गया, भले ही नीरज चोपड़ा आपके हरियाणा के हैं, या असम में किसी ने कांस्य पदक जीता तो भले ही नॉर्थ ईस्ट के हैं लेकिन हम आप भी प्रसन्न हो लिए। तो असम का व्यक्ति यदि पुरस्कार जीत रहा है, एक सेकंड, तो कोई असमी है, कोई हरियाणवी है, अगर ये कोई अवार्ड जीत रहे हैं तो पूरे देशवासियों को बहुत अच्छा लग रहा है। और ये अच्छा क्यों लग रहा है, क्योंकि सबको लगा कि हाँ भाई हमारे देश का जो सीना है वो चौड़ा हो गया, ये हमारे देश की झोली में ये अवार्ड आए हैं। मीन्स यहाँ पे आपने जो क्षेत्रीय सीमाएँ हैं उन क्षेत्रीय सीमाओं से उठ के एक राष्ट्र के बारे में सोचा, अपने देश के बारे में सोचा। आज तो ये तथ्य बड़ा आसान है, या क्रिकेट मैच होता है और अगर भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है तब फिर देखिए राष्ट्रीयता की भावना कहाँ जाती है। मीन्स अपने राष्ट्र को हर व्यक्ति समृद्ध देखना चाहता है, सुखी देखना चाहता है, ताकतवर देखना चाहता है और साथ ही साथ अपने राष्ट्र के प्रति एक अगाध श्रद्धा होती है, एक स्नेह होता है और यही श्रद्धा स्नेह
या राष्ट्र के प्रति जो उसकी अपनी सकारात्मक भावनाएं होती हैं, इन्हीं सकारात्मक भावनाओं को हम कह सकते हैं राष्ट्रीयता की भावना। तो आज तो ये भावना जो है बहुत ही आसान लगती है, लेकिन उस दौर के या उस दौर में यदि आप जाएं, उस दौर के विषय में अगर चर्चा करें, ये एक ऐसा दौर चल रहा है जहां पे भारत छोटी छोटी राजनीतिक इकाइयों में विभाजित है, छोटी छोटी भौगोलिक इकाइयों में विभाजित है, तमाम राजे रजवाड़े शासन कर रहे हैं, दूर दराज जो है लोग गांव में पड़े हुए हैं, उन्हें ना तो राष्ट्र का पता है ना ही राष्ट्रीयता की भावना का पता है। तो एक आपके सामने वो दौर भी था और आज एक दौर ये भी आया, और ये दौर आपका जो चला वो दौर एकाएक परिवर्तित नहीं हुआ, बल्कि उसमें क्रमशः या चरणबद्ध रूप से उसमें परिवर्तन हुए हैं। तो वैसे ही जो है राष्ट्रीयता की भावना है, राष्ट्रीयता की भावना ऐसा नहीं हुआ कि अंग्रेज आए और जो है तुरंत ही साल दो साल दस साल के अंदर जो है राष्ट्रीयता की भावना आपकी अस्तित्व में आ गई। ये राष्ट्रीयता की भावना भी अंग्रेजों द्वारा कई ऐसे कृत्य किए गए, हालांकि कृत्य वो कर रहे थे अपने लाभ के लिए। उन्होंने भारत को एक उपनिवेश बनाया था, इंग्लैंड से एक आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी आई, व्यापार करने के लिए आई, व्यापार करते करते यहाँ की राजनीतिक गतिविधियों में उनको शामिल होना पड़ा, और ये उनका अपना सौभाग्य रहा या उनके लिए ये एक अच्छा संयोग रहा, हमारे आपके लिए एक दुर्भाग्य रहा, एक बुरा संयोग रहा कि यहाँ की राजनीति में हस्तक्षेप करने का उनको मौका मिला और धीरे धीरे राजनीतिक श्रेष्ठता भी उनकी अपनी स्थापित हो गई। धीरे धीरे उन्होंने, जैसे कि आप देखते हैं, बंगाल में 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, और इसके बाद में धीरे धीरे उनके अपने साम्राज्य का विस्तार हुआ, तमाम जो राजे रजवाड़े थे उनको अंग्रेजों ने पराजित कर दिया और जो है पूरे भारत पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। और अधिकार किस लिए स्थापित किया था, तो उपनिवेशवाद की अपनी प्रकृति ही होती है या इसका अपना स्वभाव ही ये होता है कि जिस देश में या जिस विदेशी भूक्षेत्र में हम शासन कर रहे हैं उस क्षेत्र का हमें हर प्रकार से दोहन करना है, उसका हमें शोषण करना है। ये औपनिवेशिक अर्थतंत्र की ये मीमांसा है कि औपनिवेशिक जो शासन होता है ये पूरी तरह से शोषण पे, अत्याचार पे आधारित होता है। और जिस प्रकार से इंग्लैंड ने हमारे ऊपर उपनिवेश स्थापित किया था, हमारे ऊपर शासन स्थापित किया था, वैसे ही दुनिया के तमाम देशों में उसका अपना शासन स्थापित था, उसके अपने उपनिवेश थे, और समान रूप से जिस प्रकार से हमारा आपका शोषण हो रहा था उसी प्रकार से अन्य उपनिवेशों का भी शोषण हो रहा था। तो हमारा अपना जो संदर्भ बिंदु है वो संदर्भ बिंदु है, हम अपने देश के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, अपने देश के संबंध में हम बात कर रहे हैं। तो प्रश्न उठता है कि ये जो राष्ट्रीयता की भावना है, ये राष्ट्रीयता की भावना आपकी अस्तित्व में आई कैसे, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को यदि आपको समझना है तो उसकी पृष्ठभूमि में आपको राष्ट्रीयता की भावना को समझना होता है। तो राष्ट्रीयता की भावना के उदय में कई आपके जो है कारण रहे हैं, इसका उदय, इसका विकास, इसमें कई महत्वपूर्ण कारण रहे हैं, और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है भारत की राजनीतिक एकता। भारत की राजनीतिक एकता, तो जहां पे आपके तथ्य होंगे, जो भी फैक्ट्स होंगे जो आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन फैक्ट्स को मैं यहां पे लिखता चलूंगा, और जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो कॉन्सेप्ट मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आपका मन चाहे आप उसको नोट कर लें, और जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट होंगे, ऐसा नहीं है केवल फैक्ट ही फैक्ट लिखूंगा, और मैं ऐसा करता भी नहीं हूं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है और ये सच्चाई भी है कि यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आपको चीजों में इंटरेस्ट आएगा, और चीजों में जो इंटरेस्ट आएगा फिर फैक्ट्स आपको बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप केवल एक सरसरी निगाह से भी अगर आप देखेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन इस लेवल तक आपका तैयार हो जाएगा कि आप चाहेंगे कि 3 से 4 घंटे में यदि आपको पूरा राष्ट्रीय आंदोलन आपको रिवाइज करना है तो आप इतना रिवीजन कर ले जाएंगे, और इतनी ही स्किल आपकी हर विषय में यदि डेवलप है तो जान लीजिए आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की स्थिति में हैं। कि 3 से 4 घंटे आप बैठिए, 2 सिटिंग मारिए आप, क्योंकि फैक्ट है, तो 2 सिटिंग मारिए, तो आई थिंक जो है कि 3 से 4 घंटे का आपका जो आउटपुट रहेगा, लेकिन हाँ उसको 6 घंटे आपको मैनेज करने पड़ेंगे और उसमें आपका राष्ट्रीय आंदोलन आपका रिवाइज हो जाएगा, बड़े आसानी से रिवीजन हो जाएगा उसमें आपका, ठीक है। तो साथ ही साथ मेरे नोट्स भी आप लोग बनाइएगा, ये मत कीजिएगा कि वीडियो के भरोसे रहिए और वीडियो आप देखेंगे, ठीक है, तो कितना देखेंगे आप, तो कोशिश करिएगा
और बहुत ही कम मैं लिखाता भी हूँ, लेकिन हाँ जो लिखाऊंगा राष्ट्रीय आंदोलन में आपका क्वेश्चन उसके बाहर नहीं जाएगा, ठीक, इतना निश्चिंत रहिए। और इतने प्रतिशत प्लस की मेरी अपनी जिम्मेदारी है कि मेरे नोट से आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो 90% प्लस मिल जाएंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। चलिए अब आते हैं, तो भारत की राजनीतिक एकता, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब तक अंग्रेज भारत में आए नहीं थे, मींस अंग्रेजों के आगमन से पहले, तो अंग्रेजों के आगमन के पहले भारत छोटी छोटी भौगोलिक इकाइयों में विभाजित था और हर जगह अपने नियम कानून अपनी व्यवस्थाएं चल रही थी। और भारत के लिए तो कहा भी जाता है कि भारत गांव का देश है। आज भारत में आज की तारीख में लगभग 641,000 गांव हैं, तो ये आपका आज का भारत है। और उस दौर का भारत यदि आप देखें तो उस दौर के भारत में आपका पाकिस्तान भी शामिल है, आपका बांग्लादेश भी शामिल है, क्योंकि 1947 के बाद में आपका पाकिस्तान निकला और 1971 में उसी पाकिस्तान से आपका बांग्लादेश निकला है। तो बड़ा भूक्षेत्र था आज की तुलना में, लेकिन जो लिटरेसी थी या जो आपकी साक्षरता दर थी ये बहुत ही कम थी। यातायात संचार के साधन आपके अविकसित थे या लगभग ना के बराबर थे। ये आज आप देख रहे हैं पक्की सड़कों का आपका जाल बिछ गया है, नेशनल हाईवे से लेके जो है 4 लेन 6 लेन सारी चीजें जो है डेवलप हो चुकी हैं, लेकिन उस दौर में ये चीजें थी ही नहीं। और उस दौर में ये चीजें नहीं थी इसलिए लोगों के बीच में किसी भी प्रकार का आपस में कोई खास कम्युनिकेशन नहीं था। यहां तक कि शादियां भी आपकी क्षेत्रीय ही होती थी, और अभी भी काफी कुछ वही परंपरा आपकी फॉलो हो रही है। और अब जब संचार के साधन हो गए हैं तो फिर पूछना ही क्या, शादियां तो होने लगी अमेरिका तक, ठीक है। तो अंग्रेजों के आगमन के पहले का जो आपका भारत था, तो भारत की स्थिति ये थी कि ये छोटी छोटी भौगोलिक इकाइयों में विभाजित था, छोटी छोटी और अंग्रेजों के आगमन के बाद क्या हुआ, तो अंग्रेजों के आगमन के बाद इस स्थिति में गुणात्मक परिवर्तन हुआ। तो अंग्रेजों के आगमन के बाद क्या हुआ, तो अंग्रेजों ने जितनी भी ये भौगोलिक इकाइयां थी, राजी रजवाड़े थे, इन सबको पराजित कर दिया। और पराजित करने के बाद में भारत को स्वाभाविक रूप से एक राजनीतिक एकता के दर्शन हुए। अब व्यवस्था यहां पे चलानी है तो व्यवस्था को सुचारू रूप से या प्रशासनिक व्यवस्था के सफल कार्यान्वयन के लिए अंग्रेजों ने अपने नियम कानून लागू किए। और औपनिवेशिक शासन था तो समान रूप से शोषण शुरू किया। समान रूप से शोषण का मतलब है कि चाहे पूरब का आदमी हो उसका भी उतना ही शोषण हो रहा है जितना पश्चिम के आदमी का हो रहा है, और उत्तर का आदमी भी उनके अत्याचारों से उनके अतिरेकों से उतना ही दुखी है जितना दक्षिण भारत का आदमी। तो एक जैसी समस्याएं थी, एक जैसा शोषण था, एक जैसा अत्याचार था और एक जैसे नियम कानून थे। और इसका परिणाम यह निकला कि भारत एक राजनीतिक सांचे में ढल गया। तो अंग्रेजों के आगमन के बाद में जो परिवर्तन आया भारत के संदर्भ में वो क्या आया, वो आया भारत के राजनीतिक एकता, एकता को मैंने घेर दिया। तो अभी तक क्या थे, क्या आप यूनाइट थे, नहीं थे। राष्ट्रीयता की भावना के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है कि पता पड़ा आज अगर चाइना के साथ में हमारा सीमा विवाद होता है तो पूरा का पूरा देश जो है बिल्कुल एक होकर खड़ा हो जाता है और चाइना को कोसने लगता है। तो राष्ट्रीयता की भावना के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है आपकी एकता। और इस एकता को देने वाले, देने का मतलब यह नहीं है कि उन्होंने राष्ट्रीयता की भावना अंग्रेजों ने हमको प्रदान की, हालांकि जो साम्राज्यवादी इतिहासकार है वो ये कहते हैं
कि आज आप लोगों के पास में जो राष्ट्रीयता की भावना है वो हमने प्रदान की, तो उनसे तुरंत ही पूछा जाता है कि अगर आपने प्रदान की तो फिर राष्ट्रीयता की भावना का या राष्ट्रीय आंदोलन का गला घोंटने का प्रयास क्यों किया? आप हमको राष्ट्रीयता की भावना प्रदान करने के लिए नहीं जो है आप प्रयास कर रहे थे, आपके जो भी एफर्ट्स थे वो केवल औपनिवेशिक शासन को मजबूत करने के लिए, औपनिवेशिक शासन के माध्यम से आप जो है हमारा शोषण करने के लिए, उसके लिए आपने भारत को राजनीतिक रूप से एक किया, ना कि हमको राष्ट्रीयता की भावना प्रदान करने के लिए आपने जो है भारत को एक कर दिया। तो भारत की राजनीतिक एकता आई और इसी राजनीतिक एकता ने कहीं ना कहीं जो है राष्ट्रीयता का अंकुर या राष्ट्रीयता की भावना को जन्म दिया। दूसरी चीज या दूसरा कारण यातायात और संचार के साधन। ये जो आपके यातायात और संचार के साधन हैं, ये आपके राष्ट्रीयता के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और महत्वपूर्ण क्यों माने जाते हैं? महत्वपूर्ण इसलिए माने जाते हैं क्योंकि यातायात के साधन में यदि आप लें तो अंग्रेजों ने पक्के मार्गों का विकास किया, या सड़कों का विकास किया, रेलवे का विकास किया, डाक व्यवस्था का विकास किया, और फिर से वही चीज कि क्या हमको राष्ट्रीयता की भावना प्रदान करने के लिए ये सारी चीजें कर रहे थे? नहीं, कर रहे थे किसके लिए? अपने लिए, कि अगर यहाँ पे पक्के मार्ग हो जाएंगे, पक्के मार्ग होंगे तो यहाँ से जो भी आपके कच्चे माल है कि पता पड़ा उनको टी शर्ट बनानी है कॉटन की, संयोग से मैंने भी पहन रखी है, और अंग्रेजों के आगमन का एक फायदा तो हुआ कि कम से कम टी शर्ट पहनना सीख गए अपन लोग, क्योंकि टी शर्ट तो अंग्रेज ही लेके आए, भारतीय कल्चर में तो था नहीं। तो खैर, जो ये सांस्कृतिक सम्मिश्रण होता है ये हमेशा अच्छा माना जाता है कि दो संस्कृतियों का जब मिलन होता है तो एक जो संश्लिष्ट संस्कृति आती है या जो वैचारिक या सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है ये किसी भी संस्कृति को हमेशा रिच बनाता है। तो अंग्रेजों ने टी शर्ट तो दी, अब उस दौर में यदि आप पहुंचिए कि टी शर्ट बनानी है, टी शर्ट बनाने के लिए क्या चाहिए है? उसके लिए चाहिए कपास। तो कच्चा माल उन्होंने भारत से लिया, कपास यहाँ से ली, आपका जो गुजरात वाला क्षेत्र है या जो आपका दक्कन वाला क्षेत्र है बड़ी मात्रा में वहाँ पे कपास का प्रोडक्शन होता था, आज भी हो रहा है वहाँ पे, कपास प्रोडक्शन में आपका गुजरात ही पहले नंबर पे है। तो गुजरात से उन्होंने कपास उठाई, अब उस कपास को बंदरगाहों तक लाना है क्योंकि तब हवाई जहाज तो थे नहीं, हवाई जहाज तो आपका 1901 में आया, ठीक है, और वो दौर में जो हवाई जहाज आ गया था वो भी बड़ा रिलायबल नहीं था, उसमें कम लोग ही बैठते थे क्योंकि पता नहीं होता था कब ये ब्लास्ट कर जाए, ठीक है। तो अब इनको टी शर्ट चाहिए, टी शर्ट के लिए कपास चाहिए, तो पता पड़ा उन्होंने गुजरात से कपास उठाई, अब उस कपास को बंदरगाहों तक लाना है, तो बंदरगाहों तक लाने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए है कि बढ़िया मार्ग हो, मार्ग भी हो, अगर ट्रेन आ जाए तो और भी बढ़िया है। तो इसी उद्देश्य से इन लोगों ने पक्के मार्ग या यातायात के साधनों का विकास किया और प्रशासनिक नियंत्रण को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने डाक व्यवस्था आपके अस्तित्व में लाई, मीन्स अपने हितों की पूर्ति के लिए ये सारे के सारे साधन उन्होंने विकसित किए। लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या निकला? इसका साइड इफेक्ट ये निकला कि आपके पक्के मार्ग और रेलवे, इन्होंने क्या किया तो पता पड़ा इन्होंने जो अभी तक गांव थे आपके, आज भी आपको कई ऐसे गांव मिल जाएंगे जिनका शहरों से आपका बहुत कम संपर्क है, और मध्य प्रदेश की यदि आप एक बहुत ही पिछड़ा एरिया उसको गुड़ाना बोलते हैं, तो अगर उस क्षेत्र में आप चले जाएंगे तो आपको लगेगा कि हम भारत में ही नहीं है। मैं गया हूँ उन गाँव में, खैर अभी तो स्थिति काफ़ी कुछ सुधर गई है जब से मोबाइल आ गया है, नहीं तो 2004-05 का दौर जो था वो ऐसा दौर था कि उन गाँव में जाने के बाद में लगता था कि हम शायद भारत के बाहर हैं। और उस दौर की आप बात कीजिए कि लगभग आप पहुँच जाइए 150-200 साल पहले, तो सोचिए क्या स्थिति रही होगी।
तो जो आपके यातायात संचार के साधन थे, इन साधनों ने जो गांव थे जो अलग थलग पड़े रहते थे, गांव को इन्होंने टाउन एरिया से या कस्बों से जोड़ दिया, और जो कस्बे थे इनको नगरों से जोड़ दिया। और जब आप जुड़ जाएंगे तो आपके अंदर कौन सी भावना बलवती होगी? एकीकरण की। मीन्स इसके माध्यम से इसका जो परिणाम निकला वो ये निकला कि भारत का एकीकरण संभव। और इस एकीकरण ने भारत में, मैंने आपको फिर से बताया, पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूं कि राष्ट्रीयता की भावना के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि पहले आप यूनाइट तो हो, पहले इस चीज का तो आपको बोध हो कि हम लोग अलग नहीं हैं। भले ही उत्तर भारत का आदमी दक्षिण भारत के, जैसा कि मैंने अभी आपको अवार्ड के संदर्भ में मैंने आपको बताया, तो सबसे बड़ी चीज तो ये होती है कि भाई एक यूनिटी की भावना होनी चाहिए, एक एकीकरण की भावना होनी चाहिए। तो रेलवे के माध्यम से, विशेषकर रेलवे को मैं कोट कर रहा हूं क्योंकि आगे चल के आपका जो प्रश्न है वो रेलवे से ही आपको मिलता है, और कैसे मिलता है अभी चर्चा करूंगा। तो जो आपके पक्के मार्ग थे या रेलवे थे, इसके माध्यम से गांव आपके कस्बे से जुड़ गए, कस्बे आपके नगरों से जुड़ गए, और इसके माध्यम से भारत का एकीकरण हुआ, और इस एकीकरण ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में योगदान दिया। जो आपकी डाक व्यवस्था थी, इस डाक व्यवस्था ने भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि अभी तक तो समस्या थी कि पता पड़ा अगर इलाहाबाद में बैठ के किसी ने राष्ट्रीय साहित्य का को लिखा है, राष्ट्रीय साहित्य का मतलब है कि ऐसा साहित्य जिसको पढ़ते ही हमारे अंदर स्वदेश प्रेम की या अपने देश के प्रति प्रेम की भावना जागृत हो, विदेशी शासन के प्रति घृणा की भावना जागृत हो, ऐसा जो आपका साहित्य लिखा गया वो कहलाता है आपका राष्ट्रीय साहित्य। अभी उस पर भी आएंगे। तो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग साहित्यकारों के द्वारा राष्ट्रीय साहित्य आपका लिखा गया। जैसे हिंदी में आप पढ़ते हैं एक नाटक, हाई स्कूल में आप लोगों ने संभवतः पढ़ा भी हो अगर यूपी बोर्ड के हो, भारत दुर्दशा, तो भारतेंदु हरिश्चंद ने लिखा था कि भाई भारत की दुर्दशा है, और ये दुर्दशा क्यों है? दुर्दशा इसलिए है क्योंकि हम लोग गुलाम हैं, विदेशी शक्ति हमारे ऊपर शासन कर रही है। तो इस प्रकार का साहित्य जो विदेशियों के प्रति घृणा का भाव उत्पन्न करे और अपने देश के प्रति स्नेह का या प्रेम का भाव जागृत करे, वो आपका था राष्ट्रीय साहित्य। तो हिंदी भाषा में भारतेंदु हरिश्चंद ने लिखा, गुजराती में नर्मद ने लिखा, मराठी में चिपनुलकर ने लिखा, असमिया में लक्ष्मीनाथ बरुआ ने लिखा, तमिल में सुब्रमण्यम भारती ने लिखा। तो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग साहित्यकार आपके खड़े हो गए। और डाक व्यवस्था ने बड़ा अच्छा काम किया कि इसके माध्यम से राष्ट्रीय साहित्य को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता था। अगर ये डाक व्यवस्था नहीं होती, ये यातायात संचार के साधन नहीं होते, तो हो सकता है कि भारतेंदु हरिश्चंद भारत दुर्दशा लिख के अपने ही पास रखे रह जाते और हम आप उसको पढ़ ही नहीं पाते, या उस दौर के जो लोग थे वो पढ़ ही नहीं पाते। तो उन्होंने इसका अध्ययन किया, और अध्ययन में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो इसमें मुख्य भूमिका थी डाक व्यवस्था की। तो डाक व्यवस्था ने क्या किया? डाक व्यवस्था ने राष्ट्रीय साहित्य को देश के कोने कोने में फैलाया। और जब राष्ट्रीय साहित्य आपका पहुंच गया तो जाहिर सी बात है राष्ट्रीयता की भावना के विकास में इसने योगदान दिया। अब मैंने आपसे कहा था अभी कि आपका जो प्रश्न बनता है, अभी तक प्री के आपको कौन से प्रश्न मिले? कोई नहीं, अब मिलना शुरू हो गए। जो भी आपके यातायात संचार के साधन थे, इन साधनों में सबसे क्रांतिकारी कार्य अगर किसी ने किया तो वो क्रांतिकारी कार्य किया था रेलवे ने। और रेलवे के संबंध में एक स्टेटमेंट है, और वही स्टेटमेंट आपसे एज इट इज पूछा जा सकता है। और ये कथन एक अंग्रेज इतिहासकार का है, उसका नाम है एडसन अर्नोल्ड। तो एडसन अर्नोल्ड ने लिखा है कि रेलवे भारत के लिए वह काम कर देगी जो टीपू सुल्तान और अकबर नहीं कर पाए। मीन्स वो भारत को एक राष्ट्र नहीं बना पाए, लेकिन अब रेलवे आ गई है, रेलवे भारत को एक राष्ट्र के रूप में अवश्य ही परिणित कर देगी।
और ऐसा क्यों कर देगी? ऐसा इसलिए कर देगी क्योंकि रेलवे के माध्यम से आपका जो नगर थे या जो आपके टाउन एरिया थे ये आपस में जुड़ने लगे, और जब जुड़ने लगे तो इससे भारत के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ और भारत के एक राष्ट्र निर्माण की जो आपकी प्रक्रिया थी उसमें ये रेलवे ने ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भी थी। यद्यपि रेलवे भी अंग्रेज अपने लाभ के लिए लाए थे, हम आपको यातायात संचार की अच्छी व्यवस्था मिल जाए, सुविधा मिल जाए, इसके लिए रेलवे लेकर नहीं आए थे। रेलवे तो इसके लिए लेकर आए थे कि जितने भी आपकी खाने हैं तो खानों से जितने भी मिनरल्स आपके खोदे जा सकते हैं उनको लाद के रेलवे के द्वारा बंदरगाह तक लाया जा सके, और फिर पता पड़ा जो भी आपका निर्मित माल है जो आपका इंग्लैंड से निर्मित होके आया है उसको रेलवे में फिर से लादा जाए और देश के कोने कोने में उसको बिखेर दिया जाए। तो मिनरल्स खोदे मीन्स रॉ मटेरियल हम ही से लिया, माल अपने यहाँ निर्मित किया और बेच दिया, हमें को दुगना लाभ कमाते थे वो, और रेलवे जो है इस प्रकार का शोषण कर रही थी। इसलिए तिलक ने रेलवे पर बहुत अच्छी टिप्पणी की थी कि ये दूसरे की पत्नी के सिंगार पटार का खर्च उठाने जैसी बात है कि पत्नी दूसरे की है, लाभ दूसरे को दे रही है और उसका सास सिंगार का खर्चा कोई दूसरा उठा रहा है। तो वैसे ही रेलवे थी कि रेलवे का पूरा खर्चा हम आप उठा रहे हैं कि उस पर रेलवे पे मैं अलग से चर्चा भी करूंगा आप लोगों से, और लाभ किसको मिल रहा है? इसका लाभ मिल रहा है ब्रिटिश पूंजीपतियों को, इंग्लैंड के पूंजीपतियों को, हमारा शोषण हो रहा है। तो रेलवे अपने लिए लाए थे लेकिन रेलवे का साइड इफेक्ट क्या निकला? रेलवे का साइड इफेक्ट ये निकला कि भारत एक राष्ट्र के रूप में धीरे धीरे परिणत होने लगा क्योंकि इसने क्षेत्रों को आपस में जोड़ना शुरू कर दिया। तो वही एडसन अर्नोल्ड का कथन है और ये कथन आपसे एज इट इज पूछा जा सकता है कि एडसन अर्नोल्ड ने कहा है रेलवे भारत के लिए वह कार्य कर देगी जो अकबर और टीपू नहीं कर पाए, अर्थात मैं भारत को एक राष्ट्र नहीं बना पाए। तो एडसन अर्नोल्ड का कथन है जो महत्वपूर्ण है, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। तीसरा कारण वो था भारत का आर्थिक शोषण, और खैर जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपका औपनिवेशिक शासन होता है या जो आपका उपनिवेशवाद होता है, हो सकता है आप में से कई बच्चों को उपनिवेशवाद नहीं क्लियर हो तो इसकी पृष्ठभूमि में थोड़ा सा आपको समझाए दे रहा हूँ। निश्चिंत रहिए कोई भी ऐसा शब्द आएगा तो उपनिवेशवाद, ये जो आपका उपनिवेशवाद है, दो तीन बार मैं शब्द को अभी तक बोला हूँ, तीन शब्द हैं इसमें उपनिवेश और वाद। तो कितने शब्दों से मिलकर बना है? ये तीन शब्दों से मिलकर बना है, इन्हीं शब्दों को आप तोड़ लेंगे, तोड़ने का मतलब लाठी लेकर नहीं तोड़ना है, तोड़ने का मतलब है विश्लेषण करने से। उप का अर्थ होता है समीप, जैसे कहते हैं भाई हम उपासना करते हैं तो उपधन आसन, तो जो है किसी के समीप बैठ के आप आसन लगा लेते हैं, तो उप का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है समीप। निवेश, तो निवेश के विषय में आप जानते होंगे इन्वेस्ट करना, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है बल्कि यहाँ पे निवेश का अर्थ है रहना। और जो वाद है, वाद का अर्थ तो है स्पष्ट ही होगा आप लोगों को, विचारधारा। कि गांधीवाद आप पढ़ते हैं तो गांधी की विचारधारा, मार्क्सवाद आप पढ़ते हैं तो मार्क्स की विचारधारा, पूंजीवाद पूंजी से जुड़ी हुई विचारधारा, समाजवाद समाज से जुड़ी हुई विचारधारा। तो
ये आपका जो उपनिवेशवाद है ये तीन शब्दों से मिलकर बना है, उपनिवेशवाद। मीन्स अब अगर ये तो हुआ इसके शब्दों को आपने तोड़ा, अब यदि आप उपनिवेशवाद का सम्मिलित रूप से अर्थ निकालना चाहें तो उपनिवेशवाद का अर्थ है कि ऐसी विचारधारा जिसमें किसी विदेशी भूक्षेत्र पर, विदेशी भूक्षेत्र पर, तो यहां पे जो आपका विदेशी भूक्षेत्र है, विदेशी भूक्षेत्र का यहां पे मतलब है हमारे अपने देश से, जिसमें विदेशी भूक्षेत्र पर प्रत्यक्ष शासन के द्वारा प्रत्येक प्रकार का लाभ अर्जित किया जाए। अब देखिए, आपने शब्दों को जो तोड़ा था उन्हीं शब्दों से इसका अर्थ निकल रहा। ऐसी विचारधारा मीन्स वाद, क्या कह रहा है, जिसमें विदेशी भूक्षेत्र पर प्रत्यक्ष शासन के द्वारा, प्रत्यक्ष शासन का मतलब है कि हम आप ही के पास में रहेंगे, आप ही के देश पे या आप ही के जो है भूक्षेत्र पे हम अधिकार करेंगे और फिर हर प्रकार से हम आपका शोषण करेंगे। अब एक चीज और जिज्ञासा उठती है, ये अंग्रेजों को पढ़ा क्या था कि दुनिया भर में काहे ये अपने उपनिवेश स्थापित किए थे और हम आप लोग क्यों नहीं कर पाए। अंग्रेजों ने किया वो तो ठीक है, हम आप क्यों नहीं कर पाए, या हमारे अपने राजे महाराजे निकल के दूसरे देश पे प्रत्यक्ष अधिकार कर लेते और फिर जो है उनका शोषण करते और अपने आप को समृद्ध करते, तो ऐसा हम आप क्यों नहीं कर पाए। हम आप इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हम आप एक राष्ट्र नहीं थे, हमारे आपके अंदर राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी, तो इस प्रकार का कोई भाव नहीं था कि हमको अपने राष्ट्र को समृद्ध करना है, अपने राष्ट्र को ताकतवर करना है। मीन्स अंग्रेज आपके एक राष्ट्र के रूप में परिणित हो चुके थे, वहां पर राष्ट्रीयता की भावना आ चुकी थी। और सुन के आप लोगों को मजा भी आएगा कि दुनिया का जो पहला आपका राष्ट्र बना था वो बना था इंग्लैंड। ध्यान से सुनेंगे आप, विश्व का पहला राष्ट्र इंग्लैंड बना और विश्व की पहली औपनिवेशिक शक्ति भी इंग्लैंड बना। राष्ट्र भी आप बन रहे हैं और औपनिवेशिक शक्ति भी आप बन रहे हैं। मीन्स आपके पास में राष्ट्रीयता की भावना आई और राष्ट्रीयता की भावना के चलते आपके अंदर ये भाव भी आ गए कि हमको अपने देश को ताकतवर बनाना है, समृद्ध बनाना है, और इस समृद्धि के लिए हम किसी विदेशी भूक्षेत्र पर अधिकार करें, उसका हम आर्थिक शोषण करें और उस आर्थिक शोषण के माध्यम से हम आर्थिक रूप से, सैन्य रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर रूप से हम अपने राष्ट्र को ताकतवर करें। तो अंग्रेज राष्ट्रीयता की संतति थे, उनके अंदर राष्ट्रपात की भावना थी, इसलिए आप पूरा का पूरा नेशनल मूवमेंट देख लीजिए, आपको एक भी अंग्रेज जो है दुर्भाग्य से या अपवाद रूप में अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, कोई भी गद्दार नहीं मिलेगा। और यहां नेशनल मूवमेंट आप पढ़िए, 1857 का विद्रोह पढ़िए, तो इलाही बख्श जैसे आपको लोग दिख जाएंगे। क्यों दिख रहे हैं और अंग्रेजों में क्यों नहीं दिख रहे हैं? इसलिए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि अंग्रेजों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना थी और हमारे आपके अंदर इस राष्ट्रीयता की भावना का नितांत अभाव था। और जैसे जैसे ये राष्ट्रीयता की भावना आपकी बढ़ती चली गई, जैसे जैसे हम आप यूनाइट होते चले गए, वैसे ही जो है आपका अंग्रेजों के दिन भी लदना शुरू हो गए। तो ये आपका उपनिवेशवाद होता है कि एक ऐसी विचारधारा है जो कहती है कि हम आपके क्षेत्र पे रहेंगे भी और आपका शोषण भी करेंगे। तो किसी भी विदेशी भूक्षेत्र में प्रत्यक्ष शासन के द्वारा उससे प्रत्येक प्रकार का लाभ अर्जित करने की जो आपकी ये भावना होती है, जो विचारधारा या आइडियोलॉजी है, उसी को आप जानते हैं किस रूप में, उपनिवेशवाद के नाम से जानते हैं। तो उपनिवेशवाद, इसका तो अर्थ ही है कि आप जो है जितना हो सके उतना आप शोषण कीजिए, जितना हो सके
अभी करीब एक महीने पहले मैं इंडिया टुडे में एक घटना पढ़ रहा था, मुझे दुर्भाग्य से उनके किरदारों के नाम भूल गए, और कुछ अंग्रेज नाम थे तो भूल जाना स्वाभाविक है। तो दक्षिण अफ्रीका का या अफ्रीका महाद्वीप का एक देश के विषय में वो बता रहे थे, सीरा लियोन के विषय में बता रहे थे, जहाँ पे अंग्रेज अपना उपनिवेश, उसे भी अंग्रेज अपना एक उपनिवेश बनाए हुए थे, और वहाँ से करीब 1200-1500 लोगों के कंकाल मिले हुए हैं। और बाद में जब उस पर अध्ययन हुआ तो ये चीज़ सामने आई कि वहाँ पे जो अंग्रेज अधिकारी रूल कर रहा था या शासन कर रहा था, तो जो वहाँ के लेबर क्लास थे या जहाँ वहाँ के जो लोकल बाशिंदे थे, उनसे कम से कम एक दिन में 14-15 घंटे उनसे काम कराया जाता था, और 2 दिन में एक बार खाना दिया जाता था, 2 दिन में एक बार खाना मिलता था, और 12-15 घंटे काम करते थे। तो उसी में अगर कोई अस्वस्थ हुआ, मर गया, उठा के उनको जो है दफन कर दिया गया, ऐसे ही जो है वो नरकंकाल मिले। और भी कई आपके एग्जाम्पल्स हैं, और भारत के संदर्भ में भी अभी आप आगे चल के एग्जाम्पल देखेंगे कि आप देखेंगे कि पता पड़ा भारत में अकाल पड़ा, 1773 में अकाल पड़ा था, और अकाल की विभीषिका का अंदाज आप इस तथ्य से लगा सकते हैं कि लोगों ने मरे हुए लोगों की लाशों को खाया था, कि उनके पास में खाने के लिए अनाज नहीं था, अन्न नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी भू राजस्व पूरा जमा हुआ था। तो अकाल तो आपके प्राकृतिक कारणों से पड़ते हैं, मानवीय कारणों से भी पड़ते हैं कि अगर युद्ध हो जाए तो अकाल हो जाएगा, बारिश नहीं हुई तो अकाल हो जाएगा। तो अंग्रेजों के समय अकाल जो पड़ते थे ये प्राकृतिक कारणों से पड़ते थे, पड़ा वर्षा नहीं हुई है, अकाल हो गया, या पर्याप्त प्रोडक्शन नहीं हुआ, जहां पे 10 बोरा अनाज होता था 1 बीघे में, वहां पे पता पड़ा 2 ही बोरा हुआ। अब उसमें भी आपने टैक्स ले लिया 50%, 1 बोरा आप ले गए, तो जहां पे 5 बोरे में परिवार का चलता था, वहां पे 1 बोरे में कैसे चलेगा। आज भी अकाल पड़ते हैं, तो आज अकाल पड़ते हैं तो टीवी में हम किसको मरा हुआ देखते हैं, किसी को नहीं, जानवर तक नहीं मरते हैं, तुरंत ही सरकार जो है लगान माफ कर देती है, तुरंत ही वेलफेयर के सरकार द्वारा कार्य किए जाते हैं, और किसी भी कोई भी राष्ट्र आपका एक वेलफेयर स्टेट है, लोक कल्याणकारी राज्य है या नहीं, इस संदर्भ में अमर्त्य सेन की आप थ्योरी उठा लीजिए, उनको तो अर्थशास्त्र में और लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ही नोबेल मिला था, और उन्होंने कहा भी था स्पष्ट रूप से, किसी भी राज्य में अकाल का पड़ना और उसका प्रभाव ना दिखना राज्य की लोक कल्याण की भावना को इंगित करता है, उसको पुष्ट करता है। तो अंग्रेजों के समय अकाल पड़ते थे, प्राकृतिक कारणों से पड़ते थे, लेकिन भू राजस्व में किसी प्रकार की कोई ढील नहीं देते थे, जिसके चलते यहां पे बड़े स्तर पे या बड़े पैमाने पे लोगों की मौतें होती थी। तो यह था आपका औपनिवेशिक शासन। तो औपनिवेशिक जो शासन होता है यह पूरी तरह से शोषण की भावना पर आधारित होता है, और वही अंग्रेज कर भी रहे थे। तो तीसरा जो आपका कारण है, भारत का आर्थिक शोषण, तो जब भारत का आर्थिक शोषण इन्होंने किया तो स्थिति क्या हुई, स्थिति हुई बड़े पैमाने पर गरीबी, ये छा गई। और अभी करीब 1 हफ्ते पहले मैं बीबीसी में एक न्यूज देख रहा था, एक डॉक्यूमेंट्री थी, तो उस डॉक्यूमेंट्री में बड़ा बढ़िया उन्होंने एक्सप्लेन किया, और मुझे कुछ नई जानकारी मिली, तो आप लोगों के साथ शेयर भी करना चाहूँगा, और खैर आप लोग मैच्योर्ड लोग हैं तो ऐसे में शेयर करना भी अच्छा लगता है। उन्होंने बताया कि जो ये वनस्पति घी था भारत में, ये वनस्पति घी अंग्रेज लेकर आए, यस, और इसको आप यहाँ की गरीबी से समझ सकते हैं, और उस समय के भारत की स्थिति को आप बिल्कुल नज़दीक से देख सकते हैं। आज हम आप देखते हैं, जैसे ही बात होती है किसानों की, जब भी बात होने लगती है तो जैसे ही किसानों की बात होती है तो लगता है कि भाई किसान है मतलब गरीब होगा, बहुत ही दरिद्र होगा, लेकिन ऐसी स्थिति हमेशा से नहीं थी। अंग्रेजों के आने के पहले तो ऐसी स्थिति थी नहीं,
कि एक साधारण काश्तकार भी जो होता था, जिसके पास में 2-4-5 बीघे भी जमीन होती थी, वो भी मौज मस्ती से रहता था, मवेशी पाले हुए था, भूखा नहीं सोता था, भूखा नहीं मरता था वो, और घी दूध खाते हुए अपना जीवन यापन कर रहा था। और सब तो आप छोड़ दीजिए, जो आपकी इमारतें तक बनाई जाती थी, चूने की जो आपके कंस्ट्रक्शन होता था, उसमें भी बीच बीच में दूध डाला जाता था, यस, ताकि उन इमारतों में मजबूती आ सके। तो ये था हमारे आपके यहां दूध घी का प्रोडक्शन, और जो साधारण किसान था वो भी दूध घी खाते हुए मस्त था। और अंग्रेजों ने जब यहां पे एक प्लान तरीके से शोषण करना शुरू किया, तो उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि एक आपका वर्ग जो है गरीबी रेखा के इतने नीचे चला गया कि जिसके पास में 2 जून की रोटी तक मिलना मुश्किल हो गई। और तब अंग्रेज और जो डच थे उनके बीच में एक कंपनी एक अस्तित्व में आई, उस कंपनी का आपने नाम सुना होगा, डालडा। तो उन्होंने कहा कि भाई भारतीय बहुत गरीब हैं, और या गरीब हो चुके हैं, ये तो नहीं कहेंगे कि भाई अंग्रेजों के खून चूसने के कारण हम आप गरीब हो गए थे। तो उन्होंने कहा कि घी का कल्चर यहाँ पे हमेशा से रहा है, कोई अगर हम ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में ले आए जो घी जैसा दिखता हो लेकिन घी की तुलना में बहुत सस्ता हो, तो भारतीय बड़ी तेजी से अट्रैक्ट होंगे। और उनका अनुमान गलत भी निकला, जैसे ही डालडा मार्केट में आया और वैसे ही जो है धाएं धाएं धुंधु हो गई। एक अपने आप में वनस्पति घी का पर्यायवाची बन गया, एक ब्रांड बन गया आपका डालडा। तो यह था शोषण अंग्रेजों का, और यह थी भारत की स्थिति कि साधारण किसान है वो भी खाता पीता था, लेकिन इनके आने के बाद में यह स्थिति पूरी तरह से उलट गई। जब अंग्रेजों के आर्थिक प्रभाव या सॉरी ब्रिटिश शासन की जब आर्थिक प्रभाव में मैं चर्चा करूंगा, तो उसमें आप देखेंगे कि इनकी अपनी जो ददनी प्रथा होती थी उसके चलते कई बुनकरों ने अपने अंगूठे कटवा लिए थे। तो ये सोचिए कि कोई अपने अंगूठे कटवा ले रहा है, अपने अपने आप को स्वयं को वो दिव्यांग बना दे रहा है, तो किस स्तर से ये शोषण करते होंगे। तो इनका जिस प्रकार से शोषण था, उस शोषण का जो दुष्परिणाम निकल के आया वो था भारत में बड़े स्तर पर गरीबी छा गई। और तब भारत के जो प्रारंभिक राष्ट्रवादी थे, जिन्हें आप उदारवादी नेता के नाम से जानते हैं, या नरमपंथी जो आपके नेता थे, उन्होंने भारत की बढ़ती हुई दरिद्रता का सिद्धांत विकसित किया, और इसमें मुख्य योगदान था दादा भाई नेहरू जी का। तो अंग्रेजी शासन का परिणाम क्या निकला? अंग्रेजी शासन का परिणाम निकला कि भारत में बड़े पैमाने पर या बड़े स्तर पर गरीबी छा गई, और जो प्रारंभिक राष्ट्रवादी थे उसमें मैं सीधा नाम लिखे दे रहा हूं, हालांकि ये प्रश्न इतना सरल हो जाता है कि अब आयोग ने पूछना ही बंद कर दिया। तो दादा भाई नेहरू जी और जो इनके अपने सहायक लोग थे, उन्होंने भारत में बढ़ती दरिद्रता या गरीबी का सिद्धांत विकसित किया, और उन्होंने कहा कि हम इसलिए निरंतर गरीब होते चले जा रहे हैं क्योंकि हमारे ऊपर कोई विदेशी शासन कर रहा है। मींस इस गरीबी का या इस दरिद्रता का जो कारण इन्होंने बताया, तो इसका कारण इन्होंने बताया विदेशी शासन को या गुलामी को, कि हम आप गरीब इसलिए हैं क्योंकि विदेशी हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, हम गुलाम हैं इसलिए हम गरीब हैं। तो इन्होंने दरिद्रता को जोड़ दिया या गरीबी को जोड़ दिया विदेशी शासन से, और ऐसे में किसी के प्रति भी, हम आप सुन रहे हैं, हम आप चर्चा कर रहे हैं शोषण को लेकर, तो अंग्रेजों के प्रति या विदेशी शासन के प्रति या ब्रिटिश शासन के प्रति हमारे आपके भाव कैसे हैं? स्वाभाविक रूप से विदेशी शासन के प्रति घृणा का भाव उत्पन्न हुआ और अपने देश के प्रति प्रेम का या जो है स्नेह का भाव जागृत हुआ, और यही स्नेह का भाव या उनके प्रति घृणा का भाव राष्ट्रीयता की भावना के रूप में सामने आया। तो विदेशी शासन से जोड़ दिया और इसने काहे के विकास में योगदान दिया,
इसने योगदान दिया राष्ट्रीयता के विकास में। तो अब यहां से जो आपका प्रश्न बनता भी है, ठीक है, तो आपसे पूछ लेता है कि किसने गरीबी का सिद्धांत विकसित किया, तो आप यहां पे नरमपंथी या उदारवादी। तो चलिए, जो भी आपके अन्य कारण हैं, इन कारणों पे कल चर्चा करेंगे हम, ठीक है। और शुरुआत में थोड़ा सा गाड़ी को ट्रैक पे लाने के लिए थोड़ा धीरा चलाना पड़ता है, तो शुरुआत में थोड़ा सा धीरे धीरे चलेंगे ताकि जो आपकी टर्मिनोलॉजी है वो टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर रहे, जैसे उपनिवेशवाद है या अन्य आपके इस प्रकार के संदर्भ हैं, तो उनको क्लियर करते हुए चलेंगे। और पूरा का पूरा जो आपका राष्ट्रीय आंदोलन है बहुत सरल है, बहुत ही सरल है, और शब्दों को लेकर बिल्कुल परेशान नहीं होइए। खासतौर से जैसे ऑफलाइन क्लास में कई स्टूडेंट पूछने लगते हैं, सर वामपंथ क्या है, दक्षिण पंथ क्या है, इसी को लेकर बहुत, तो जो भी आपके शब्द आएंगे एक शब्द भी ऐसा नहीं होगा जो शब्द आपकी समझ से परे हो। और फिर आपसे कहूँगा 90% प्लस, ठीक है, ये मेरे नोट्स से आपको मिलेगा, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट भी उसमें शामिल रहेंगे, ठीक है। तो चलिए कल मिलेंगे पुनः इसी समय पे, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।